the capital of the state of Andhra Pradesh, there is a lot of confusion that was created by the state government when they sought to create three capitals. Then subsequently that legislation was withdrawn. But the central government has sent some communications addressing to Hyderabad. So these have all been circulating in the media and social media. While we all know Amaravati continues to be the capital, we would like to have the minister to clear this confusion for once and for all as to what is the capital of Andhra Pradesh as of today and who has the authority to decide on the capital issue. Thank you. महोदय, राजधानी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य को ही है. 23/4/2015 के अनुसार आंध्र सरकार ने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित की थी, लेकिन जुलाई 2020 में आंध्र प्रदेश ने एक अधिनियम के द्वारा आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां अधिसूचित की. अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी. लेकिन उसके बाद सरकार ने इस चीज को, एक जो समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई कि इसको वापस ली है और कही है कि समीक्षा के तत्पश्चात हम इसका निर्णय लेंगे इस तीनों राजधानियों के संबंध में या एक राजधानी के संबंध में. लेकिन अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी राज्य सरकार ने अधिसूचित की. धन्यवाद.